जीवन समाप्त हो जाता है। दो बार बाबा बद्रनाथ की नगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले मृदुल शालीन और सुलभ विधायक परम आदरणीय सदैव श्री नारायण शालीन से संपर्क करते हुए झारखंड जनसभा कल्याण समाज शाखा देवघर जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। ये क्षण निश्चित रूप से एक हिस्टोरिकल मोमेंट माना जाए। आपको सम्मान देकर स्वागत करते हुए तालियां यही भी तालियां होनी चाहिए। जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बनाकर से और मुखिया के पद से भी इन्होंने मुखिया भी एक बार आ चुके हैं तो और समाज हित में बचत कर कार्यक्रम स्वयं काम करते हुए हम बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। मुझे जनप्रतिनिधि के बीच में गांव सबका निवासी मैं हूँ, जिला का बिहार में रहने वाला हूँ, वहाँ का आज बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। मुझे एक बार मुखिया बना दिया, वहाँ मुखिया बनाने के बाद किस मतलब कहा कि है मुझे एमएलए का टिकट दिया और कंप्यूटर में दिल्ली में कर दिया। मैं तो राजनीति में कमजोर रहा था लेकिन यहाँ के लोग मुझे इतने आकर्षित कर रहे हैं कि देश भर से मुझे जाने नहीं दिया। मैं अपने इलाका मधुबनी में बहुत पॉपुलर आदमी हूँ और मुझे मेरे पिताजी सुनता से नाम क्या है काम को दुकान हर मेरे घर में रखता हुआ डॉक्टर सखी अमर आया करता था मेरे यहाँ बार बार कहता था कि भाई जी आपको मैं एमएलए बनाऊंगा लेकिन मुझे चार नहीं थी। मुझे चार थी अपने इंजीनियर के बीच में रहकर के कुछ काम करूं और ये भवन जो नारायण गांधी जी के पास है जब गांधी जी के पास है तो खड़ा उसमें मेरा भी बहुत ही योगदान है। जिस डीसी ने इस जमीन का आवंटन किया था वो डीसी राजेंद्र बाबू के यहाँ उनके गांव का एक आदमी शिक्षक था और वही उन डीसी से होता करके शिक्षा हो गुड्डा के किसी को राजेंद्र के लाया राजेंद्र गया तो पढ़ा लिखा बच्चों को के जहाँ तक बहुत कुछ हुआ मौसम हो गया डीसी हो गया यहाँ पर और इस जमीन में भी बहुत टिकट बाजी हो गया कि यहाँ इस गणपत में चार का जमीन कैसे दिया जाए। लेकिन वो संत कुमार जैसी नाम का वो लग गया क्या कि नहीं मैं जमीन जलाऊंगा और राजेंद्र बाबू बलराम सिंह मैं तीन आदमी घूम घूम करके घूम करके मकान का तोड़ दिया जब बगान बाबू को जीना लगा दिए जब मकान बाबू मेरे यहाँ संपर्क थे जब मैं एजुकेशन मार्केटिंग में यहाँ पर जो उनके बड़े भाई रहे थे वो सिंचाई भी करते थे और यहाँ पर वो लोग काम करते थे अपने बहुत मिले जुले हुए थे बहुत तैयार हुए थे तब उनके पास में उसका संतोष है। नारायण गांधी ऐसे एमएलए हो गया वो परम प्रिय आदमी है वो जहाँ कहीं भी अपने आदमी को देखते हैं पर गाड़ी पसंद करते हैं तो उसको बदल करके अपने मन को क्या ऐसा एमएलए कौन मिलेगा आपको। ये गर्व की बात है कि नारायण बाबू ऐसे ही तह दिल से जनता का सेवा करते हैं। यही भावना रहे कि मैं एमएलए हो गया हूँ मैं संस्था में पैसा देता हूँ तो कोई भावना उनके दिमाग में नहीं रहा ये सब जाता चाहता हूँ जैसे है वो बना है। अब एम्स के जाता था बता वाला इनके बारे में बहुत सुना करता था इनके बारे में बहुत सुना करता बहुत अच्छा जाता था है। लेकिन मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि निरंतर विचार समाज के लिए विचार कीजिए आप कुछ कुछ क्या कर सकते हैं। आप विचार समाज में कुछ पास भेज दीजिए जो निधि आदमी हो जाएगा वो पास में कर दे वो काम करेगा ये बहुत बड़ी महानता हो गई ये बहुत बड़ी कृपा हो गई। जय जय भारत। बहुत जागरूक और सभी तरह के बच्चे थे लेकिन यकीन मानिए मैं दिल से कह रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम मुझे आपके बहुत अच्छा लगा कि आज शायद नहीं मैं आता तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखकर के मैं देखने मिस कर रहा था। और मैं जैसा बताया कि मेरे पिताजी इंजीनियर चीफ इरीगेशन से रिटायर हुए पीएचडी सुनी दिन में किए हुए हैं क्योंकि पीएचडी के लिए भी हो गया झारखंड की तरफ चले गए थे तो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए डेपुटेशन करते
वो 86 वर्ष के हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे साथ ही रहते हैं, देवघर में मेरे साथ हैं, वो एक पेंशन धारक हैं। तो मैं आप कई लोगों की छवि देखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सब ने समाज को इतना दिया है, अपने नौकरी के दौरान देश की सेवा की है, राज्य की सेवा की है, देखा सरकार एक सम्मानित छोटा सा देती है जिसको पेंशन कहते हैं, कि आपने जो इतना योगदान समाज को बनाने में, देश को बनाने में दिया है, वह एक सम्मान के तौर पे सरकार आपको सम्मानित करती है कि आपको पेंशन देती है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी के बताओ देखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र थे, वो रिटायर हो गए, मैंने उनसे पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले मैं सुबह मनुष्य के जीवन में जाते संबंध बने या ना बने उसमें उसकी उतनी व्यापकता नहीं है, लेकिन जो संबंध बन जाए उसमें अगर जीवन समाहित हो जाए तो जीवन दर्शन यही होता है। आप लोगों से संबंध पाके, आप लोगों ने समाज के प्रति जो नए कार्य करने का काम किया है उसको मैं दूसरे रूप से भी परिभाषित कर सकता हूं कि संबंध दोनों तरफ से निभाया जाता है। अभी जब प्रकाश बाबू की बात हो रही थी कि निचली तल्ला उन्होंने लिया, ऊपरी तल्ला की बात हो रही थी, हमने लिया, हमने कुछ नहीं दिया, ये आपकी अमानत है, आपकी अमानत को हमने आपको भेंट किया। हमारी पहचान आपसे है, हम आपसे, हमसे आप नहीं। और मैं 5 साल इसी कैंपस की बात अगर मैं करूं तो 5 साल में, क्योंकि राजनीति कचहरी कोर्ट कैंपस से भी होता है, हमेशा मेरा आना होता था, लोगों के करीब बैठना होता था, तो जहां चाहे वकील समाज ने जो भी मांगा, अभी एक कैफेटेरिया है उसको हमने लिया है। अभी सर आपने कहा कि पेंशन समाज के लिए जो आप वहाँ पे कैंप लगेगा एम्स में, जिनका कार्ड होगा उनको नंबर लगना नहीं होगा, ये कब तक संभव है सर? देखिए, मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, एक ये उनका आग्रह नहीं है, ये उनका हक है, और ये मैं इसको बहुत संज्ञान में लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पेंशन समाज कल्याण के लोग हैं उनके आई कार्ड को मान्यता दें, उनको प्राथमिकता दें, वरीयता दें, उनको लाइन में लगने से बचाया जा सके। इसके अलावा जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी एक अलग से काउंटर बनाया जाए, और ताकि उनको भी सेवाएं शीघ्र से शीघ्र मिले, उनका समय अस्पताल में कम से कम व्यतीत हो। ये बिल्कुल हमने इसमें अभी कहा है और उस पर पूरा ध्यान देके उसको शीघ्रतम शुरू करने की हम कोशिश करेंगे, ये रहेगा। यहाँ पे मैं जैसे जान रहा हूँ कि काफ़ी लोग आपसे खुश हैं, और ऊपर का छत जो है आपका योगदान रहा है इसमें, और क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट का संभावना है जो कि आपकी तरफ से यहाँ पे संभावना है? देखिए, ये समाज जो है निश्चित रूप से देवघर जिला पेंशनर कल्याण समाज देवघर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है कि एक सूत्र में सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और एकता का भाव जो होता है, और यहाँ आने के बाद पता चला कि सामाजिक क्षेत्रों में इनका योगदान है, गाँव को गोद लेना, ये करना, वो करना, मेडिकल ट्रीटमेंट लगाना, शिक्षा के प्रति ये करना, तो एक एक समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। और रही बात जिन चीज़ों की चर्चा आप कर रहे हैं, वो तो इन लोगों का हक बनता है, हम इन लोगों से हैं, ये लोग जो भी बोलेंगे वो नारायण दास करने के लिए तैयार हैं।